Normalcy in passenger train communications between Lamding to Badarpur yet to be restored. Though the railway restoration works are in full swing between Jatinga, Lampur and New Harangajao, but the permanent restoration of train communications yet to be ascertained. हम लोग इस वक्त है जतिंगा लामपुर में और जतिंगा लामपुर से हम लोग जहाँ सिंकिंग हुआ है उसी जगह पर जा रहा है। 15 दिन का आसपास हो गया है, रेस्टोरेशन का काम रात दिन चल रहा है, लेकिन करंट सिचुएशन क्या है उसको आपको अपडेट देंगे। और साथ में फिलहाल अभी गुड्स ट्रेन, बहुत सारा गुड्स ट्रेन को अभी कैंसिलेशन करके रखा है, कोई भी गुड्स ट्रेन आना जाना नहीं हो रहा है। उसकी वजह से यहाँ से नाइबरिंग से त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और बराक बिली जो है पूरी तरह इसकी जो है अंदर में आते हैं, इसके थ्रू ही जो ट्रेन जो है गुजरते हैं, जितना गुड्स ट्रेन है उसी तरह जाते हैं। ठीक उसी लिए यहाँ का जो आसपास का जो नाइबरिंग सेट है और जो काफ़ी दिक्कत दिख रहा है, ठीक उसी उसको देखते हुए इस वक्त हम जा रहा है जतिंगा लामपुर और बिटवीन हरंगजो का बीच में जहाँ सिंकिंग हुआ है। The train communications was disrupted between Lamding to Badarpur Hill section since April 26th due to derailment followed by settlement of track. Long distance trains were allowed to pass, but the passenger trains like Silchar to Guwahati etc. and goods trains were restricted. और इस वक्त हम मौजूद हैं between जतिंगा लामपुर और New Harangajao के बीच में। और आप सभी को पता है कि पिछले 25 तारीख को ट्रेन डिरेलमेंट हो गया था इसी जगह पर, और लगातार अभी जो है रिस्टोरेशन का जो काम जो है दिन रात चल ही रहा है, लेकिन अब तक भी कोई भी गुड्स ट्रेन और लोकल ट्रेन चलाने में कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन एक गुड न्यूज़ की बात है कि थोड़ी देर पहले यहाँ से जो है एक गुड्स ट्रेन जो है एक गुड्स ट्रेन चला दिया गया है, और इस गुड्स ट्रेन चलाने से एक इशारा है, एक भी ये भी मानता है कि आने वाला समय में जो है ये ट्रैक जो है पूरी तरह से फिटनेस का कामयाबी की ओर जा रहा है। और हम सबको पता है कि रिसेंटली जो है यहाँ पर बहुत सारा डिजास्टर हुआ है, बहुत सारा जो है ये रेल डिरेलमेंट होने की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुआ है, और उस तकलीफ के साथ यहाँ पर सिर्फ डिमा हासाओ का ही नहीं, साथ में बराक बिली जो है, हम लोग जो है बराक बिली बोलो और साथ में मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, तो नाइबरिंग जो स्टेट है वहाँ पर जो है ज़्यादातर इसका इकोनॉमिकली इम्पैक्ट होते हुए हमने देखा है। और सबसे बड़ी बात है कि त्रिपुरा में, मिजोरम में जो फ्यूल का जो कमियाँ है, वो खाने पीने का जो सामान जो है लोगों को जो है थोड़ा बहुत तकलीफें हमने देखने को मिल रहा है। वजह, यहाँ से कोई भी गुड्स ट्रेन पिछले 15 दिनों से आना जाना नहीं हो रहा है, और हमें आशा है कि यहाँ का जो है रेलवे अथॉरिटी ने यहाँ पर दिन रात काम किया है, और उसी दिन रात काम करने का जो है रिजल्ट जल्द ही मिलने वाला है। और हमने इस बात को लेकर भी रिसेंटली 30 तारीख को आया था, तब ने हमारे साथ भी इस तरह सा कुछ बातचीत नहीं हो पाया था, आपको कुछ इस तरह सा अपडेट नहीं दे पाया था, लेकिन आज शायद कुछ ना कुछ एक अच्छा पॉजिटिव आपको मैसेज देने में कामयाब होगा, हमें ये आशा है। और यहाँ का जो तमाम रेलवे अथॉरिटीज़ का जो इंजीनियर्स है, ऑफिशियल्स है, यहाँ पर दिन रात यहाँ पर निगरानी कर रहा है, ताकि ये यहाँ पर जो है फ्यूचर में जो है जिस तरह सा सिंकिंग एरिया है यहाँ पर, वैसे तो सामने नदी है और यहाँ पर इसी जगह पर जो है ज़्यादातर सिंकिंग एरिया भी एक माना जाता है, तो उसी के लिए अगर हम देखें तो इसको परमानेंट सॉल्यूशन किस तरह सा किया जाए, इसको परमानेंटली इसको स्टेबलाइज किया जाए, ताकि फ्यूचर में जो है सिंकिंग ना हो, उसके लिए परमानेंट काम करने के लिए यहाँ का कॉन्स्टेंटली रेलवे ऑफिसर्स लोग दिन रात जो है काम कर रहा है, और इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती से बनाने के लिए भी यहाँ पर जो है पूरी तरह से सर्वे हो रहा है, ताकि फ्यूचर में इस तरह सा फिर से इसी जगह पर जो है सिंकिंग ना हो।
Meanwhile, on Wednesday, Divisional Railway Manager Prem Ranjan Kumar informed the media that for permanent restoration, more time would require. He also informed that today a goods train was allowed to pass on experimental basis. For the permanent solution for the settlement issue, geoscientific research would be carried out soon by one retired geoscientist. Full restoration में तो time लगेगा. आज हम लोग passenger trains चला रहे हैं. आज एक goods train भी half rake sugar का गया है. तो उसके कारण embankment पे थोड़ा effect पड़ा है. हम लोग उसका मेजरमेंट्स लिए हैं और एक्सपर्ट्स को वो मेजरमेंट पास ऑन किया गया है. वो उसको स्टडी कर रहे हैं कि गुड्स ट्रेन जाने के कारण क्या इफ़ेक्ट हुआ और अगर इफ़ेक्ट हुआ है तो उसको कैसे हम लोग नलीफाई कर सकते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं. तो गुड्स ट्रेन तो हम लोग अभी फर्दर बहुत धीरे धीरे चलाएंगे या अभी नहीं ही चलाएंगे, एक्सपेरिमेंटल फेज में ही रहेगा. मगर पैसेंजर ट्रेन अभी तक जैसे चला रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि वैसे ही चलते रहे. He added that they have been facing challenges in importing restoration material since the condition of road is also not favorable and the natural soil here is also not good. Due to long disruption in rail communication and restrictions of goods trains, the neighboring states like Tripura, Manipur, Mizoram and entire Barak Valley likely to face food and fuel crisis. देखिए, यहाँ पे इस एरिया में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि यहाँ पे ये रोड कनेक्टिविटी नहीं है. तो हम लोग जो एक मटेरियल लाना चाहते हैं, जैसे कि अच्छे क्वालिटी का अगर हम अर्थ लाना चाहें या जो भी और अगर बोल्डर लाना चाहें बाई रोड, तो वो ला नहीं पाते हैं. उसमें बहुत समय लगता है. हम अपना मटेरियल लाने के लिए भी इसी पटरी पर निर्भर हैं, इसी ट्रेन पर निर्भर हैं और उससे हम लोग लिमिटेड अमाउंट में ला पा रहे हैं. एक तो सबसे बड़ा ये है प्रॉब्लम कि अगर ये NH चालू रहता तो हम लोगों को सपोर्ट होता उसमें. तो दूसरा प्रॉब्लम है कि यहाँ का जो नेचुरल सॉयल है वो बहुत ही, उसकी बियरिंग कैपेसिटी कम है, आप सब जानते हैं, और ख़ास करके बारिश हो जाने के बाद उसका बियरिंग कैपेसिटी और कम हो जाता है. तो जो नॉर्मल ट्रैक है वो सिंक करने लगता है. यही कारण है कि यहाँ पे जो हेवी ट्रेन्स चलाने में हमेशा परेशानी होती है और ख़ास करके बारिश के मौसम. ये दो मेन समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं. बट हम लोग देख रहे हैं कि सॉइल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. हम लोग, आपने देखा है कि ये स्टोन डस्ट है, ये हम लोग पाकुड़ से लेकर आ रहे हैं. पाकुड़ राजग्राम जो वेस्ट बंगाल में है, झारखंड के बॉर्डर पर, वहाँ से काफ़ी दूर से, क्योंकि इस पूरे एरिया में अच्छे क्वालिटी का पत्थर नहीं है, स्टोन डस्ट नहीं है. तो हम लोग वहाँ से लेकर के आ रहे हैं, इसलिए इसमें रेस्टोरेशन में टाइम लग रहा है. एक एक रेक आने में 36 घंटे लग जाते हैं लगभग. नहीं, एक्सपर्ट एक तो हमारे जो रेलवे के एक्सपर्ट्स हैं, चीफ ब्रिज इंजीनियर हैं या चीफ ट्रैक इंजीनियर हैं, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर हैं, ये लोग उस पहले भी आए थे और ये लोग फिर आएंगे. और जो गुड्स ट्रेन गया है उसके कारण क्या उसका इफ़ेक्ट हो रहा है, हम लोग सर्वे भी कर रहे हैं. बल्कि आप देखेंगे कि हम लोग इस पूरे फॉर्मेशन के ऊपर कैमरा फिक्स किए हुए हैं, सो दैट कि हम लोग डिटेक्ट कर सकें. केवल विजुअली नहीं, कैमरा से भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अगर कहीं कोई सेटलमेंट है या कोई मूवमेंट है तो उसको हम लोग कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं. और दूसरी बात है कि जैसा मैंने पहले भी बोला था कि एक नेशनल, इसको एक सस्टेनेबल वे में प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं रिटायर्ड, वो प्रोफेसर चंदन घोष, वो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग यानी सॉयल मैकेनिक्स के भी एक्सपर्ट हैं और ख़ास करके वेटिवर ग्रास से स्लोप्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं इसके एक्सपर्ट हैं. तो वो आने वाले हैं, एक दो दिन में आएंगे, तो हम लोग उनसे भी मदद लेंगे.